सप्तम पाठ एतत् किम् नपुसकलिंग प्रयोग। एतत् अर्थात यह, किम् क्या, दोनों ही एक वचन है। एतत् किम् यह क्या, नपुसकलिंग प्रयोग है। नपुसकलिंग के जो रूप है वह इस प्रकार है, नपुसकलिंग एक वचन एतत्, द्विवचन एते, बहुवचन एतानि। और प्रश्न जो बनेंगे वह है नपुसकलिंग किम्, एक वचन, द्विवचन के, बहुवचन कानि। तो अगले पाठ में, जो पिछले पाठ में हम पुल्लिंग के रूप, पुल्लिंग के बारे में प्रयोग करना हम पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। अब आज हम इस पाठ में नपुंसकलिंग के विषय में बात करेंगे या जानेंगे। एतत् किम्, एतत् पुस्तकम्। एतत् अर्थात यह, किम् क्या, एतत् पुस्तकम्, यह क्या, एतत् पुस्तकम्, यह पुस्तक, यह पुस्तक है। एते के, ये दो, के क्या, एते पुस्तके, ये दो पुस्तके। एतानि कानि, एतानि पुस्तकानि, एतानि ये सब क्या, एतानि ये सब पुस्तके है, अनेक पुस्तके है। एष क, एष कलम, एष अर्थात यह, पुल्लिंग एक वचन, यह कौन, रूप जो प्रश्न के रूप है, क एष क, यह कौन, यह क्या। एष कलम, यह कलम है, यह पेन है। एते के, एते कलमा, पुल्लिंग द्विवचन, यह दो क्या, एते कलमा, ये सब जो है पेन है, कलम है। एतत् पुष्पम, यह, नपुंसकलिंग एक वचन, यह पुष्पम अर्थात फूल, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, विकसति अर्थात खिलना, विकास करना, विकसति खिलना, विकास करना, ये इस रूप के अर्थ, इस शब्द के अर्थ है। एते पुष्पे, ये दो क्या, ये दो फूल, पुष्पे विकसत, दो फूल खिलते हैं। एतानि पुष्पाणि, ये सब फूल, पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिलते हैं। एतत् पत्रम, पत्रम पतति, एतत् अर्थात यह, पत्रम पत्ता, एक पत्ता, पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है। पतति के रूप है प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पतति, पतत, पतन्ति। एतत् यह पत्ता, पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है। एते पत्रे, पत्रे पतत, एते अर्थात ये दो पत्रे, दो पत्ते, पत्रे पतत, दो पत्ते गिरते हैं। एतानि पत्राणि, ये सब पत्राणि, अनेक पत्ते, ये अनेक पत्ते, ये सब अनेक पत्ते हैं। पत्राणि पतन्ति, अनेक पत्ते, पतन्ति अर्थात गिरते हैं। एष आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष फलति, एष अर्थात यह, आम्र वृक्ष आम का वृक्ष है, आम्र वृक्ष आम का वृक्ष, फलति अर्थात फल देता है। एतत् आम्रफलम्, एतत् नपुंसकलिंग एक वचन, यह आम्रफलम्, यह आम का फल है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक है। एतानि आम्रफलानि, एतानि अर्थात बहुवचन, ये सब आम्रफलानि, आम के फल है, ये सब आम के फल है। एतानि द्राक्षाफलानि, एतानि ये सब नपुंसकलिंग बहुवचन, ये सब द्राक्षाफलानि अर्थात अंगूर के
फल है या अंगूर का जो गुच्छा है उसमें अनेक फल लगे हुए हैं तो बहुवचन है एतानि द्राक्षाफलानि, ये सब द्राक्ष के फल है या अंगूर के फल है। एतत् नारंगम, एतत् सेवम, एतत् नारिकेलम। एतत् नारंगम, यह नारंगी है अर्थात ऑरेंज है। एतत् सेवम, यह सेव है, सेव का फल है एप्पल। एतत् नारिकेलम, यह नारिकेलम अर्थात नारियल का फल है, यह नारियल है। सभी एक वचन है। एतत् गृहम, अत्र एष परिवार वस्ति। एतत् गृहम, यह घर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अत्र, अत्र अर्थात यह, एष अत्र अर्थात यहाँ, एष यह परिवार वसति, यहाँ यह चित्र में दिखाया गया, यह परिवार वसता है, निवास करता है, रहता है। एतत् छत्रम, वर्षा भवति, छत्रम रक्षति। एतत् छत्रम, यह छाता है। वर्षा भवति, वर्षा होती है। छत्रम रक्षति, छतरी जो है छाता है वो रक्षा करता है, वर्षा से भीगने में रक्षा करता है। एतत् वाहनम, एतत् चक्रम, यदा चक्राणि चलन्ति वाहनम चलति। एतत् वाहनम, यह वाहन है, एक व्हीकल है। एतत् चक्रम, यह पहिया है। यदा चक्राणि चलन्ति, जब पहिए चलते हैं, अक्षक्राणि अर्थात अनेक पहिए चलते हैं, चलन्ति अनेक पहिए चलते हैं, जब अनेक पहिए चलते हैं, वाहनम चलति, तब वाहन चलता है। एक पहिए से वाहन नहीं चलता है, अनेक पहियों से वाहन चलता है। एतत् विशालम उद्यानम अस्ति, यह विशाल उद्यान है, विशाल बगीचा है। अत्र अनेके वृक्षा संति, यहाँ अनेक वृक्ष है, संति अर्थात बहुवचन है। अत्र वृक्षा संति, तत्र पुष्पाणि पत्राणि च अपि संति। अत्र यत्र, जहाँ वृक्षा अनेक वृक्ष संति है, जहाँ अनेक वृक्ष हैं, तत्र वहाँ पुष्पाणि अनेक फूल है, च और पत्राणि, पत्राणि अर्थात अनेक पत्ते, अपि भी है। यत्र, जहाँ अनेक वृक्ष है वहाँ अनेक फूल और पत्ते भी है। यदा पवन वहति, पत्राणि पतन्ति, जब, यदा, जब पवन वहति, पवन हवा बहती है, तब अनेक पत्ते गिरते हैं, पतन्ति अर्थात गिरते हैं बहुवचन। तदा नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति, तब नवीनानि नए पत्राणि बहुवचन, अनेक पत्ते, अनेक नए पत्ते आगच्छन्ति, आते हैं। जना अत्र भ्रमन्ति, लोग, अनेक लोग यहाँ घूमते हैं। बाला, बाला क्रीडन्ति, नन्दन्ति च, अनेक बच्चे क्रीडन्ति खेलते हैं, नन्दन्ति आनंद लेते हैं। अनेक बच्चे खेलते हैं च अर्थात और, नन्दन्ति मज़े लेते हैं या आनंद लेते हैं, खुश होते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक पुष्प फूल खिलते हैं। भ्रमरा गूंजन्ति, अनेक भंवरे गूंजते हैं, फूलों पर अनेक भंवरे गूंजते हैं। इस प्रकार नपुंसक लिंग प्रयोग समाप्त हुआ।